हेलो प्रोग्रामर्स, आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कैसे हम बना सकते हैं इसे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि पाइथन में कैसे हम क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या है, डेटा मेंबर्स क्या है और मेंबर मेथड्स क्या होते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट जो है आज के इस वीडियो में जो हमें लर्न करना हो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली पाइथन हैव सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आल्सो। पाइथन में हम प्रोसीजरल प्रोग्राम भी बना सकते हैं या विदाउट प्रोसीजर भी प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसा हमने पहले बनाए थे, फिर हमने फंक्शंस के साथ बनाए थे, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो वी कैन इम्प्लीमेंट एंड use all major concept of object oriented programming like class, object, inheritance and polymorphism etc. तो जो पाइथन है इसमें हम लगभग सभी मेजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ए क्लास। सो ए क्लास इज अ ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो क्लास जो है वो एक ब्लू प्रिंट या टेम्पलेट की तरह काम करती है ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट किसी को अपना न्यू घर बनवाना है, नया घर बनवाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस घर का नक्शा बनवाएगा, राइट? अब जो घर का नक्शा बनेगा, जैसा नक्शे में दिखाई दे रहा है, जो चीजें डिस्क्राइब्ड है वही ओरिजिनल घर में होंगी, करेक्ट? बट सपोज दैट जो पर्सन घर बनवा रहा है उसे चाय बनाने की इच्छा हुई, तो क्या वो नक्शे में जो किचन बनी हुई है उसके अंदर घुस के चाय बना सकता है? नहीं बना सकता। नक्शे वाले किचन में नहीं घुस के बना सकता, नक्शे को यूज करके जो घर बनेगा उसकी किचन में घुस के बना सकता है। तो सेम एज दैट जो नक्शा है वो तो हो गया क्लास, एंड जो उस नक्शे को यूज करके घर बनाएंगे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ध्यान रहेगी ये चीज। तो क्लास तो एक ब्लू प्रिंट या टेम्पलेट है जिसे फॉलो करके क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लास का लॉजिकल एग्जिस्टेंस होता है जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिजिकली स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो ए क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कैन कंटेन बोथ वेरिएबल एंड फंक्शंस। तो हम ये भी कह सकते हैं क्लास एक यूजर द्वारा बनाया गया नया डेटा टाइप है जिसके अंदर वेरिएबल एंड फंक्शन दोनों चीजें हो सकती है। द वेरिएबल्स आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस आर कॉल्ड मेंबर मेथड। तो क्लास में जो वेरिएबल हम बनाएंगे वो वेरिएबल हमारे कहलाएंगे डेटा मेंबर्स, एंड जो क्लास में फंक्शंस बनाएंगे वो कहलाएंगे मेंबर मेथड्स। द डेटा मेंबर ऑफ क्लास आर एक्सेस बाय स्पेशल पैरामीटर इनसाइड द मेंबर मेथड। जो लोग जावा या C++ में करके आए हैं काम, उनके लिए थोड़ा सा अलग है ये, और जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए तो ठीक है, नया ही सीखना है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे स्पेशल ये है कि जो भी क्लास के डेटा मेंबर यानी क्लास के जो वेरिएबल हैं उन्हें किसी भी क्लास के फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए उस मेंबर फंक्शन में एक स्पेशल पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। दिस पैरामीटर इज द फर्स्ट पैरामीटर इन एवरी मेंबर मेथड। ये जो पैरामीटर है वो प्रत्येक मेंबर मेथड में फर्स्ट पैरामीटर होगा। जनरली नेम ऑफ दिस पैरामीटर इज सेल्फ। सामान्य तौर पे पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड करोगे, ट्यूटोरियल्स देखोगे, तो आप यही पढ़ोगे हमेशा कि इस पैरामीटर का नाम जो है वो सेल्फ होता है, ठीक है ना? बट यू कैन यूज एनी अदर नेम ऑल्सो, लेकिन आप कोई भी दूसरा नाम यूज कर सकते हो। बट अगर आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मैच करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सेल्फ ही नाम ले इस पैरामीटर का। ए क्लास इज ऑनली ए लॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यानी क्लास एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इसका कोई फिजिकल स्पेस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट ओनली डिस्क्राइब वॉट वैल्यूज कैन ऑब्जेक्ट होल्ड एंड वॉट मैथड्स कैन बी कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स। ये केवल ये डिस्क्राइब करता है कि इस क्लास को फॉलो करके जो ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज स्टोर होंगे और कौन कौन से फंक्शन उन ऑब्जेक्ट पे कॉल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी, राइट? सीखी थी हमने लिस्ट बनानी। लिस्ट जो है वो पहले से बनी हुई क्लास एक्चुअली, ठीक है ना? तो जब भी हम जैसे ए लिस्ट वगैरह लिखते हैं या कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं हम लिस्ट के, तो वहाँ पे लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगा के हम क्या करते हैं, उसके फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है ना? टू क्रिएट ए क्लास द क्लास कीवर्ड इज यूज्ड। क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड जो है वो यूज में आता है।
सिंटेक्स जो है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा, देन क्लास का नेम, कॉलन का निशान, फिर प्रॉपर इंडेंट करके जो भी फंक्शंस या मेंबर मेथड्स हमें बनाने हैं क्लास में, वो फंक्शंस या मेंबर मेथड्स हम बनाएंगे। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली इंस्टेंस होता है क्लास का। इंस्टेंस का मतलब एक उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट एक क्लास है, तो स्टूडेंट क्या हो गई? एक कैटेगरी हो गई एक तरह से। क्लास का मतलब कैटेगरी भी होता है, कहते ना हम ये इस पर्टिकुलर क्लास से आता है, मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी से आता है। सो जैसे हमने कहा स्टूडेंट एक क्लास है। अब सपोज तरुण है जो एक स्टूडेंट है, इसका मतलब तरुण क्या हो गया? स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर स्टूडेंट क्लास ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, अगर तरुण ऑब्जेक्ट है किसका? स्टूडेंट का, तो तरुण का भी रोल नंबर होगा। स्टूडेंट के लिए एक फंक्शन डिफाइन है कि वो लोग पढ़ाई करेंगे, दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे तरुण अगर एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, तो तरुण को भी पढ़ाई करेगा वो। ठीक है। इट हैव ऑल द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस डिफाइंड बाय द क्लास। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में सभी डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो क्लास ने डिफाइन किए हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ में जैसे सपोज कार बनाती है कोई भी कंपनी, तो पहले क्या होता है? उसका एक इंजीनियरिंग डायग्राम ड्रॉ होता है, राइट? उस डायग्राम में सारे डायमेंशंस वगैरह मेंशनड होते हैं कि क्या विड्थ होगी, क्या हाइट होगी, क्या उसका ग्राउंड क्लियरेंस होगा, नंबर ऑफ डोर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे उसके अंदर, इंजन की कैपेसिटी क्या आएगी, एंड अला बला फला बहुत सारी चीजें, राइट? तो जब उस डायग्राम को फॉलो करके कोई भी कार बनाई जाएगी, तो उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज सेम वैसी होंगी जैसे उस डायग्राम में डिफाइंड थी, राइट? सेम वैसे ही जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का प्रोग्रामिंग के अंदर, उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स एंड फंक्शंस होंगे जो कि क्लास में हमने बनाए थे। एन ऑब्जेक्ट टेक्स स्पेस इन मेमोरी एंड हैव एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। सो एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू यूज द मेंबर्स ऑफ द क्लास। किसी भी क्लास के मेंबर को यूज करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने कार वाला एग्जाम्पल लिया, कार का इंजीनियरिंग डायग्राम जो है तो क्लास है, उसको फॉलो करके कारखाने के अंदर नई कार बनाई गई, फैक्ट्री में नई कार बनाई गई, वो कार क्या होगी? एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। अब सपोज कार को एक्सेलेट करना है, तो कोई जो उसका डायग्राम बना हुआ है उसमें बैठ के उसको तो एक्सेलेट करेगा नहीं, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना है उसी को एक्सेलेट करेगा ना। तो एक्सेलेशन क्या हो गया? एक मेथड हो गया या एक फंक्शन हो गया उसका जो क्लास ने डिफाइन किया था। तो और उस एक्सेलेशन को यूज करने के लिए किसकी नीड है हमें? एक्चुअल कार की, यानी ऑब्जेक्ट की। सेम एज दैट, क्लास जो हम बनाएंगे उसका लॉजिकल एग्जिस्टेंस होगा, उसके मेंबर्स को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास वी यूज फॉलोइंग सिंटैक्स। बहुत ही अच्छा सुंदर सा सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, इक्वल का निशान लगाना है, देन क्लास नेम और पैरेंथेसिस। यहाँ पे क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। टू यूज द मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट वी यूज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर बिटवीन ऑब्जेक्ट नेम एंड मेंबर नेम। क्लास के मेंबर्स को यूज में लेने के लिए ऑब्जेक्ट के द्वारा हम ऑब्जेक्ट के नाम और मेंबर के नाम के बीच में क्या लगाएंगे? डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, जिसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं। सिंटैक्स ये होगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट देन जो फंक्शन है वो और जो पैरामीटर है वो। अगर सिंपली कोई वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल, प्रिंट में डाल रहे हो तो प्रिंट में आ जाएगा, असाइन करना है तो इक्वल करके राइट साइड में हम वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर और इनिट मेथड ऑफ द क्लास। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो लोग सी प्लस प्लस या जावा में प्रोग्रामिंग करके आए हैं वो लोग कंस्ट्रक्टर से अवेयर हैं, लेकिन वहां कंस्ट्रक्टर में और यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। सो कंस्ट्रक्टर होता क्या है? जैसा कि नाम से ही पता लगता है, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? बनाने वाला। तो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर, यानी बनाने वाला। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर ऑफ क्लास विच इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेंबर होता है क्लास का, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्लास के। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। इसके हेल्प से हम क्लास के डेटा मेंबर्स को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सी प्लस प्लस या जावा हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो एग्जैक्टली वही होता है जो क्लास का नेम है, बट पाइथन में क्या है, जब किसी भी क्लास में हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसका स्पेशल नेम होगा। इन पाइथन ए कंस्ट्रक्टर हैव स्पेशल नेम अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर अंडर स्कोर। इनिट से पहले और बाद में दो बार आपको अंडरस्कोर लगाना है जब भी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो क्लास में, ठीक है। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास दिस इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड।
तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। सपोज दैट स्टूडेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे एस इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है ना। और बिहाइंड द सीन ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कॉल करेगा इनिट मेथड को और ऑब्जेक्ट को बनाने का काम करेगा। तो आइए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और क्लास के अंदर एक तो इनिट फंक्शन बनाएंगे जो क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा, और एक प्रिंट फंक्शन बनाएंगे जो क्लास के मेंबर्स को प्रिंट करवाने का काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए क्लास टू रिप्रेजेंट स्टूडेंट। सबसे पहला काम, दूसरा काम डिफाइन इनिट इन द क्लास, इनिट फंक्शन को डिफाइन करना है, और उसके बाद में इनिशियलाइज करना है हमें थ्री डेटा मेंबर्स को, और जो थ्री डेटा मेंबर्स हैं उनका नेम होना चाहिए नेम पहले का, दूसरा रोल नंबर एंड तीसरा एज, और इनको इनिशियलाइज कहाँ करना है, इनिट के अंदर। उसके बाद चौथा काम आपको करना है, डिफाइन करना है प्रिंट फंक्शन एंड प्रिंट करवाना है नेम रोल अंडरस्कोर नंबर को एंड एज को। तो आइए करते हैं काम। सबसे पहले अपन सबलाइन स्टार्ट करते हैं, एक न्यू फाइल बनाई मैंने, सेव कर देता हूं उसको, क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल नाम दे दिया मैंने इसे, डॉट पी आई एक्सटेंशन, क्लास बना दी हमने स्टूडेंट नाम से, दैट्स इट, क्लास बन गई। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना है तो एक बार पास लिख के छोड़ दिया, ये सिंपली क्लास बन गई हमारे पास। एस बराबर हमने स्टूडेंट कॉल कर दिया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं हम एस को। एक क्लास क्रिएट कर दी, पास का मतलब हो गया अभी एम्प्टी क्लास है, बताया था मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर, पास कीवर्ड पे भी मेरा वीडियो डाला हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। यहां हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया एंड उसको प्रिंट करवाया। अब इसे मैं रन करा के दिखाता हूं, सबसे पहले गए ओपन कंटेनिंग फोल्डर, यहां हम गए सीएमडी में एंड पाइथन कमांड से इस प्रोग्राम को रन करवा दिया। देखिए अभी ये दिखा रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट, दैट मींस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की डिटेल को हम प्रिंट करवा रहे हैं। बट जब भी आप डायरेक्टली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को या किसी भी यूजर डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो इस तरह से आएगा डबल अंडर स्कोर मेन डबल अंडर स्कोर डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट और उस ऑब्जेक्ट का मेमरी एड्रेस। सो हमने एक एम्प्टी क्लास तो बना दी हमारी, फाइन। नाउ एम्प्टी क्लास की बजाय हम क्या करते हैं, एक्चुअल फंक्शंस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया इनिट को, और पहला पैरामीटर हमें क्या रखना होता था, एक नेम जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहां पे रख दिया इसको नेम करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पैरामीटर ले लिया मैंने नेम, तीसरा ले लिया मैंने रोल नंबर एंड चौथा ले लिया मैंने एज, फाइन। अब मैंने लिया करंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल टू नेम, करंट ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर एंड करंट ऑब्जेक्ट डॉट एज इक्वल टू एज। ये काम हो गया हमारा, इनिशियलाइज कर दिया हमने। फिर तीसरा जो काम था ये तो हमारा हो चुका है, दूसरा था इनिट को डिफाइन करना वो हमने कर दिया, डेटा मेंबर डिफाइन कर दिए, देन प्रिंट फंक्शन डिफाइन करना था जिसकी हेल्प से हम रोल नंबर नेम और एज को प्रिंट कराएं, डेफ
प्रिंट डिटेल्स कर दिया नाम मैंने, आर्ग्यूमेंट ले लिया हमने करंट ऑब्जेक्ट, ये लेना जरूरी है ध्यान रखिएगा। नाउ प्रिंट मैंने डिफाइन किया, नेम करंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम बैकस्लैश एन रोल नंबर करंट ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, ठीक है। अभी स्क्रीन उधर चली जाएगी इसलिए तीसरा प्रिंट दूसरा प्रिंट लगा रहा हूँ, एक नहीं तो जरूरत नहीं है वैसे तो। एंड एज करंट ऑब्जेक्ट डॉट एज, फाइन। ये प्रिंट फंक्शन डिफाइन हो गया, इनिट फंक्शन डिफाइन किया था, ये हो गया हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट डिटेल्स है नाम तो प्रिंट डिटेल्स ही कर देता हूँ, अदरवाइज कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। नाउ अभी देखो स्टूडेंट, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, उसमें तीन आर्ग्यूमेंट डाले, जबकि कॉल करते टाइम कोई भी आर्ग्यूमेंट मैंने नहीं डाला। मैंने बताया यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इनिट कॉल हो रहा है। तीन पैरामीटर थे तो तीन पैरामीटर पास करनी, ये आपको पैरामीटर पास नहीं करना है, यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट अपने आप पास होता है हमेशा, उसको आपको पास करने की नीड नहीं है, केवल नेम पास करना है। लाइक नेम मैंने पास कर दिया यहाँ पे चिराग गिलोत्रा, फिर था रोल नंबर 1234 पास कर दिया, एज थी वो मैंने 17 साल पास कर दी। नाउ मुझे प्रिंट कराना है, तो हमने प्रिंट डिटेल्स डिफाइन किया था, तो हमने कॉल किया एस डॉट प्रिंट डिटेल्स। यहां पे इतना काम तो था, इसके बाद पांचवा काम हमने किया था क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एंड छठा काम जो अभी मैंने बताया प्रिंट डिटेल्स बाय कॉलिंग प्रिंट फंक्शन विद ऑब्जेक्ट, इसको प्रिंट डिटेल्स कर देते हैं नाम को, कॉल किया हमने यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स को, ठीक है। सो ये पांचवा और छठा टास्क हो गया हमारा पूरा, अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वाह मस्त काम कर रहा है। सो गाइस इस वीडियो में हमने देखा क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, किस तरह से हम क्लास को बनाएंगे, किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, किस तरह से मेंबर मेथड बनाएंगे, एंड फाइनली किस तरह से हम लोग क्लास के वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के द्वारा। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, वहाँ पे भी आपकी जो डाउट्स या क्वेरीज है वो आप मेरे से सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।